स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास इको सेंसिटिव जोन ESG घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। बी. पर्यटन को बढ़ावा देना। सी. नए गांव बनाएं। डी. वन क्षेत्र बढ़ाना। आंसर ए. सतत विकास के साथ एशियाई शेरों के संरक्षण को संतुलित करें। एक्सप्लेनेशन: सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास 1.84 लाख हेक्टेयर को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESG घोषित किया है। लक्ष्य सतत विकास की अनुमति देते हुए गिर में एशियाई शेरों की रक्षा करना है, जो उनका एकमात्र प्राकृतिक घर है। अगला प्रश्न। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए. 37वां, बी. 39वां, सी. 41वां, डी. 43वां। आंसर बी. 39वां। एक्सप्लेनेशन: ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2024 में भारत ने कुल 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वां स्थान हासिल किया है। भारत को 38.3 पॉइंट हासिल हुए। भारत ने इस इंडेक्स में बीते साल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। बीते साल 38.1 पॉइंट के साथ देश 40वें पायदान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत केंद्रीय और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं के चार्ट में टॉप पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2024 के अनुसार शीर्ष 5 सबसे नवीन अर्थव्यवस्था वाले देश स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, सिंगापुर और UK हैं। अगला प्रश्न। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? ए. नोंगपो काकचिंग, बी. खोंगजोम गांव, सी. उखरुल गांव, डी. एनरो विलेज। आंसर डी. एनरो विलेज। एक्सप्लेनेशन: पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में मणिपुर के एनरो गांव को विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। एनरो विलेज को उसकी प्राचीन अग्नि पूजा परंपरा और ऐतिहासिक मंदिर सहित उसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत के लिए चुना गया, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्थानीय समुदाय इस विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन में संलग्न होने, ग्रामीणों के लिए आय और रोजगार पैदा करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला प्रश्न। आईफा अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला? ए. शाहरुख खान, बी. विकी कौशल, सी. रणबीर कपूर, डी. राजकुमार राव। आंसर ए. शाहरुख खान। एक्सप्लेनेशन: आईफा अवार्ड्स 2024 इस वर्ष अबू धाबी में आयोजित किया गया। फिल्म जवान के लिए शाहरुख खान ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। शाहरुख ने AR रहमान और मणिरत्नम से पुरस्कार स्वीकार किया। वही बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए जीता। अगला प्रश्न। शाकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ए. पाकिस्तान, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. बांग्लादेश। आंसर डी. बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन: बांग्लादेश के दिग्गज ऑलराउंडर शाकिब अल हसन चेन्नई टेस्ट में दोनों ही पारी में विकेट हासिल करने में नाकाम रहे थे। बल्लेबाजी में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। T20 क्रिकेट को पहले ही अलविदा कह चुके इस धुरंधर ने भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट से पहले अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर अक्टूबर में खेली जाने वाली सीरीज करियर की आखिरी टेस्ट सीरीज होगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? ए. मिथुन चक्रवर्ती, बी. कमल हासन, सी. अमिताभ बच्चन, डी. रजनीकांत। आंसर ए. मिथुन चक्रवर्ती। एक्सप्लेनेशन: महान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया ये पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? ए. युवराज सिंह, बी. प्रज्ञान ओझा, सी. रविंद्र जडेजा, डी. बिशन सिंह बेदी। आंसर सी. रविंद्र जडेजा। एक्सप्लेनेशन: रविंद्र जडेजा ने कानपुर टेस्ट की पहली पारी में बांग्लादेश के खालिद अहमद को आउट किया। वे भारत की ओर से 300 विकेट पूरा करने वाले पहले बाएं हाथ के स्पिनर बन गए। रविंद्र जडेजा से पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 266 विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर बिशन सिंह बेदी थे। एशिया की बात करें तो रविंद्र जडेजा टेस्ट में 300 विकेट के साथ साथ 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए. 30 जनवरी, बी. 5 जून, सी. 15 अगस्त, डी. 2 अक्टूबर। आंसर डी.
2 अक्टूबर एक्सप्लेनेशन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म की तिथि है। इस वर्ष बापू की 155वीं जयंती है। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और अहिंसा के दर्शन का प्रचार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 15 जून 2007 को सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पारित कर दुनिया से यह आग्रह किया था कि वह शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए। अगला प्रश्न, एक्सरसाइज काजिन हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ए कजाकिस्तान, बी इजराइल, सी सिंगापुर, डी रूस। आंसर ए कजाकिस्तान। एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज काजिन भारत और कजाकिस्तान के बीच हर साल आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास काजिन का 8वां संस्करण 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक सूर्या फॉरेन ट्रेनिंग नोट ओली उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ए क्रूज जल विहार मिशन, बी क्रूज जल संधि मिशन, सी क्रूज भारत मिशन, डी कलश मिशन। आंसर सी क्रूज भारत मिशन। एक्सप्लेनेशन, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य साल 2029 तक क्रूज को दोगुना करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तबाही मचाने वाले हरिकेन का नाम क्या है? ए हरिकेन हेलेन, बी हरिकेन अर्नेस्टो, सी हरिकेन डेबी, डी हरिकेन बेरिल। आंसर ए हरिकेन हेलेन। एक्सप्लेनेशन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन हेलेन के कहर से 93 लोगों की मौत हो गई है। हरिकेन हेलेन एक बड़ा तेज गति से चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये फ्लोरिडा के बिग बेन क्षेत्र में आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था। ये 2024 के अटलांटिक हरिकेन के मौसम का 5वां हरिकेन है। अगला प्रश्न, बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का नेता कौन था? ए आयतुल्लाह खामेनेई, बी बशर अल असद, सी महमूद अब्बास, डी हसन नसरुल्लाह। आंसर डी हसन नसरुल्लाह। एक्सप्लेनेशन, हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह 28 सितंबर 2024 को बेरूत में एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरुल्लाह, जिन्होंने 3 दशकों से अधिक समय तक ईरान समर्थित आतंकवादी समूह का नेतृत्व किया था, मध्य पूर्वी राजनीति और संघर्षों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष का प्रस्ताव रखा? ए 2020-21, बी 2021-22, सी 2022-23, डी 2023-24। आंसर सी 2022-23। एक्सप्लेनेशन, सरकार ने जीडीपी गणना के लिए 2022-23 को नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है। सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद प्रकाशित करेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक पर आधारित कारखाना उत्पादन वृद्धि के लिए भी आधार वर्ष बदला जाएगा। वर्तमान में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी केरल। आंसर बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र सरकार ने देशी गाय को राज्य माता घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने देशी गायों को राज्य माता की उपाधि दी। इससे गायों के कल्याण में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गौशालाओं में गायों के पालन पोषण के लिए प्रतिदिन 50 रुपये की सब्सिडी योजना की भी घोषणा की। इस पहल को महाराष्ट्र गोसेवा आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी केरल। आंसर बी तेलंगाना। एक्सप्लेनेशन, तेलंगाना सरकार ने छात्रों को उनकी नियमित कक्षाओं के बाहर शैक्षिकी अनुभव प्रदान करने के लिए तेलंगाना दर्शनी नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम के लिए व्यापक दिशा निर्देशों के तहत पर्यटन विभाग ने इस उद्देश्य के लिए छात्रों को 4 श्रेणियों में बांटा है और छात्रों की संख्या और अवधि के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के लिए धन का आवंटन किया है।